क्या आप उस विटामिन के बारे में जानते हैं जो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी है? क्या आप उस विटामिन के बारे में जानना चाहते हैं? तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको उस विटामिन के बारे में पूरी डिटेल्स दूंगी। तो चलिए देख लेते हैं। हे गाइस, वेलकम टू हेल्दी फास्ट। तो वो विटामिन है विटामिन B12, यानी कि कोबालामिन। इसका केमिकल नेम है कोबालामिन। ये बहुत ही पावरफुल विटामिन है, और अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में और मेंटल हेल्थ को ग्रो करने में ये बहुत ही यूज़फुल है। ये मेनली हमारे स्टोमक में एब्जॉर्ब होता है, और जो एक्स्ट्रा विटामिन B12 रहता है वो हमारे बॉडी के लीवर में स्टोर होता है, और जब भी हमारे बॉडी में इसकी ज़रूरत होती है तब ये यूज़ होता है। तो अब जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स को। आप विटामिन B12 को एक एनर्जी का पावर हाउस बोल सकते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये हमारे DNA को सिंथेसिस भी करता है, और एनीमिया से हमें प्रिवेंट भी करता है। हमारे बॉडी में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें विटामिन B12 का रोल ना हो, इसीलिए तो ये हमारे बॉडी में इतना इम्पोर्टेंट है। ये हमारे रेड ब्लड सेल को बनने में, हमारे बोन हेल्थ में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। हमारे एज रिलेटेड जो आई प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल है, और इसके साथ साथ ये हमारे ब्रेन को डेवलप भी करता है, और हमें होने वाले डिप्रेशन से भी ये हमें बाहर निकालता है, और ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। अब देख लेते हैं इसके सोर्स को। विटामिन B12 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है, और इसका प्रोडक्शन हमारे बॉडी में नहीं होता, इसीलिए इसे हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने आपके लिए कुछ वेजिटेरियन सोर्स लाया है जिसे कंज्यूम करके आप हेल्दी रह सकते हैं, जैसे कि है योगर्ट। जो वेजिटेरियन है उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन B12 मिल जाता है। एक कप योगर्ट हमें 28% विटामिन B12 प्रोवाइड करता है। बहुत सारे रिसर्च में पता चला है जो योगर्ट में विटामिन B12 रहता है वो कोई भी मीट में रहने वाले विटामिन B12 से बहुत ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है। बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जिन्हें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई है, उनके लिए योगर्ट बहुत ही इजी डाइजेस्टेबल भी है, और बहुत ही यूज़फुल भी होगा। और हमारा सेकेंड है मिल्क, या तो और भी बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन B12 तो रहता ही है, और इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। दूध से रिलेटेड जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पनीर, चीज़, बटर, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। दूध बहुत ही ईजिली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और हमारा नेक्स्ट है फोर्टिफाइड सीरियल्स। ये वेगन पीपल्स के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। ये फोर्टिफाइड सीरियल्स मतलब ओट्स होता है, तो ओट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है, और इसके साथ साथ इसमें आयरन भी मिलता है हमें, और विटामिन ए जैसे प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाता है। और नेक्स्ट है हमारा फोर्टिफाइड नॉन डेयरी मिल्क्स, यानी कि सोया या आमंड मिल्क्स। ये एक नेचुरल सोर्स नहीं है विटामिन B12 का, इसे विटामिन B12 का एक सोर्स बनाया जाता है। अगर आप डेली एक कप सोया दूध या तो आमंड दूध पीते हैं तो आपको 2.1 mg विटामिन B12 मिलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ सोर्स विटामिन B12 के। तो अब चलते हैं इसके रिक्वायरमेंट की तरफ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक इसका डेली रिक्वायरमेंट है 2.4 mcg। तो चलिए अब देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी को। तो जैसे कि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, तो अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी भी हो गई तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में इफ़ेक्ट हो सकता है। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है, आपकी एपिटाइट भी लॉस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिप्रेशन, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके बोन्स भी बहुत वीक हो सकते हैं।
तो ये थे कुछ डेफिशिएंसी विटामिन B12 के बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।